वो सबसे पहले हम ये स्टार्ट करते हैं, इसका ब्राउज़र में ड्राइवर को सर्च करते हैं। हम गूगल को खोलेंगे सबसे पहले। गूगल का सर्च इंजन जब आएगा उसमें हम उसका ड्राइवर नेम लिखेंगे। DR F120। सर्च करेंगे, ये स्कैनर का साइड खोल के ड्राइवर के नीचे ये शो कर रहा है 64 बिट। अभी हम इस ड्राइवर का देखेंगे, स्कैनर को मैंने इसके साथ टच कर दिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ये डाउनलोड के ऑप्शन दे रहे हैं, इसे हम डाउनलोड करेंगे। रिसेप्ट टू डाउनलोड, यहाँ पे हमें ये एक इसका वो आ रहा है, इसको यस करेंगे। एग्री करने के बाद ये डाउनलोड के ऑप्शन देगा, उस पर क्लिक करके ये हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोडिंग कंप्लीट हो गई हमारी। फाइल को मैं ओपन करूंगा, इसको रन कर दूंगा। तो जिप फाइल होगी, जिप फाइल के अंदर ये ड्राइवर पड़ा हुआ है, इसको ये फाइल में से ओपन करके इसको रन करना है। ये ऑप्शन देखे इसको ओके कर देना है। ये इंस्टॉलेशन हो रही है इसकी। उसके बाद हम कंट्रोल पैनल को ओपन करेंगे। डिवाइस एंड प्रिंटर को हम क्लिक करेंगे, वो फोल्डर ओपन होगी। कैन का स्कैनर अभी प्रॉपर इंस्टॉल नहीं हुआ। जिप फाइल जो हमने अनजिप की थी उस फाइल को हम निकालेंगे। ये सेटअप इसमें पड़ा होगा। आपने ये देखना है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट है या 86 बिट है। 32 बिट, 86 बिट का मतलब ये 32 बिट को 86 वो शो करते हैं। इसको आपने सेटअप रन कर देना है, वो ऑटोमेटिक उस ऑपरेटिंग सिस्टम को उठा लेगा। ओके करना है।
ये इंस्टॉलेशन होना शुरू हो गई है। नेक्स्ट कर देंगे इसको, आई एक्सेप्ट द टर्म एंड द लाइसेंस एग्रीमेंट, इसको सेलेक्ट करके हम नेक्स्ट करेंगे। फिर यहाँ पे भी नेक्स्ट कर देंगे, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। फिर इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। सेटअप कंप्लीट हो गया, इसको फिनिश कर दें। ये देखिए कैनन का स्कैनर ये डिटेक्ट हो चुका है। इस पर राइट क्लिक करेंगे हम, स्टार्ट स्कैन, स्टार्ट स्कैन को क्लिक करके स्कैन करके हम एक दफ़ा चेक कर लेंगे कि स्कैनर चल रहा है नहीं चल रहा। रेजोल्यूशन डीपीआई में इसकी तो कम कर देता हूँ अभी। इस वक्त प्रीव्यू लेंगे हम, प्रीव्यू लेने इस पर स्कैनर उस पेज को स्कैन करके शो करेगा। जिस स्कैनर ने स्कैन कर लिया, इट्स मीन कि ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका और इसको स्कैनिंग शुरू कर दी इसने। तो व्यूवर्स ये थी हमारी आज की वीडियो, जो जिसमें मैं स्कैनर चेक करने का तरीका बताया और इसको इंस्टॉलेशन का तरीका बताया है। इसी तरीके से आप हमारी वीडियो को लाइक करते रहें, कमेंट्स देते रहें और यूज़र्स के साथ भी इसको शेयर करते रहें। तो आगे आने वाली नई वीडियो में मैं और कोई इस तरह का कोई इशू होता है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। तो व्यूवर्स आप लोग अपना ख्याल, बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। ओके, खुदा हाफिज़।